पंचायती राज विभाग ने स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से कपकोट ब्लॉक में पंचायत प्रतिनिधियों को जलापूर्ति, ई गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता आदि का प्रशिक्षण दिया। बीते 10 दिनों से ब्लॉक के विभिन्न गांव में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षण का शुभारंभ ज्येष्ठ प्रमुख हरीश मेहरा ने किया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। संस्था की प्रशिक्षक विभू कृष्णा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने गाँव को स्वच्छ बनाने की अपील की। जो ये हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होना है, लेकिन विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना है, इस संबंध में आज विकासखंड कपकोट के न्याय पंचायत उतरोड़ा, न्याय पंचायत भराड़ी, न्याय पंचायत अशोक, तीन न्याय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जैसा कि आशाएँ हैं, तो ये सभी लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जन जागरण समूह देहरादून के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार निदेशक पंचायती राज विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम जारी की जा रही है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे स्तर पर इनको जानकारी प्राप्त हो रही है। किस तरह से हम लोग ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को सफल करेंगे, उस बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। नंबर 1, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का चल रहा है, कूड़ा निस्तारण कार्यक्रम, जैविक अजैविक, इन संबंध में विस्तारपूर्वक इनको जानकारी दिया जा रहा है प्रशिक्षक महोदयों द्वारा। और दूसरा, इसके अतिरिक्त जो पंचायत में आय के स्रोत हैं, हम कैसे अपने पंचायत को विकास करेंगे, कैसे आय बढ़ाएंगे, कैसे हम आत्मनिर्भर होंगे, इस बारे में भी इनको जानकारी दी जाएगी। ई गवर्नेंस के बारे में इनको बताया जा रहा है। सारे कार्यक्रम जो है, विकास कार्यक्रम ऑनलाइन हो गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन इनकम हो रही है, ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन जाना है, तो ये सारी जानकारियाँ हैं। किस तरह से हम इसको डील करेंगे, ये सारे डोंगल के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। जी, ये जो प्रशिक्षण है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित किया गया है और कपकोट ब्लॉक के हम लगभग अंतिम चरण में हैं, जिसपे हमने 9 जो हमारी न्याय पंचायतें हैं उसको कवर किया। उस पर हम बदियाकोट, करमी, शामा, सौंग, सूपी, हमारा जो माछखेत है, इन सब इलाकों से होते हुए अगर रीमा लाइन की मैं बात करूं तो उधर हमने आपका होराली, दियाली और सिमगढ़ी करते हुए अब हम ये उतरौड़ा, अंसो और भराड़ी को कवर कर रहे हैं। और आज ब्लॉक में इनकी यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का, दोनों का ही यही है कि 2025 तक हम प्लास्टिक मुक्त जो राज्य है, जो देश है, वो बना सके और 2030 में हम सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए हम विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस, डिजिटल भारत और आय के स्रोत, इस पर हम ग्राम पंचायतों को सशक्त करने, मजबूत करने और उनको आजीविका के तरफ हम किस तरह ले जा सकते हैं, इसके बारे में ये प्रशिक्षण दिया गया है। और इसमें हमारे सभी जितने भी हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनको ट्रेन करके ये अपने गाँव को सशक्त करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा कर पाएंगे। CGN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।